हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल चैंसर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको जो देखने को मिलेगा, आपको जो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का जो चैप्टर फर्स्ट है डेमोक्रेसी, इसका जो कंप्लीट जो एक्सप्लेनेशन है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सो मेरे साथ इस पूरी वीडियो में बने रही, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। इस चैप्टर से रिलेटेड आपका जो एक्सरसाइज का जो सोल्यूशन है वो भी आपको ऊपर आई बटन दिखाई दे रहा है वहां पर आपको मिल जाएगा। तो आप एक्सरसाइज का भी सोल्यूशन आप इजिली मेरे वीडियो के हेल्प से कर सकते हैं। सो बेटा, हम जो डेमोक्रेसी की बात करें, डेमोक्रेसी का जो वर्ड है आपने क्लास सिक्स में भी इसके बारे में पढ़ा था, स्टडी किया था, या फिर आप जो प्रीवियस जो आपके जो प्राइमरी जो क्लासेस है वहां पर भी आपने बेटा डेमोक्रेसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ जो पॉइंट्स है आपने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। यहाँ पर हम इस चैप्टर्स में देखें तो हैव यू एवर वंडर्ड हु बिल्ड द रोड्स यू ट्रेवल ऑन ईच डे, हु मेंटेन्स द स्ट्रीट लाइट्स, हु इंश्योर दैट द गार्बेज इज कलेक्टेड फ्रॉम यूर हाउसेस। मीन्स यहाँ पर हम जो देखते हैं, आप ट्रेवल करते हैं, आप डेली जो है कहीं मार्केट जाते हैं या फिर आप अपने स्कूल कॉलेजेस जाते हैं, तो वहां पर आप देखते होंगे वो रोड्स है वो कौन मेंटेन करता है, स्ट्रीट्स लाइट्स लगे रहते हैं, नाइट में आप जब निकलते हैं रोड्स किनारे आपको लाइट्स दिखाई देते हैं, आपके घरों में या फिर आपके आसपास आपके जो कॉलोनीज हैं, मोहल्ले हैं, आपके विलेज है, वहां पर आप देखे होंगे साफ सफाई होता है तो उसको कौन करता है, या फिर जो वाटर जो सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने का जो काम है वो आपके घरों तक कौन करता है, पब्लिक जो बसेस है, ट्रांसपोर्ट जो फैसिलिटीज है वो कौन प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ जो थाउजेंड्स टू स्कूल्स है या फिर जो वर्क से रिलेटेड आपका जो डिफरेंट जो बिल्डिंग्स वगैरह, तो ये सब प्रोवाइड करने का जो काम है वो आखिर करता तो करता कौन है। हमारे पास एक जो क्वेश्चन आता है कि भाई रोड कौन बनाएंगे, आपके घर से आप तो खुद नहीं बनाते, आपके पेरेंट्स नहीं बनाते, तो वो रोड्स बनाने वाले कौन होते हैं। सो साथ ही साथ टू होम डू योर पेरेंट्स पे टैक्स ईच ईयर्स, मीन्स आपके जो पेरेंट्स है वो अगर टैक्स पे करते हैं या फिर हमारे द्वारा कोई जो टैक्स जो पे किया जाता है, सो उनको किनको देते हैं, किनको हम टैक्स पे करते हैं। सो ये जो है क्या होता है, दैट द बॉडी दैट प्रोवाइड अस विद ऑल दिस सर्विस, ये ऊपर में जितने भी हमने सर्विस देखा ये सब प्रोवाइड्स करते हैं, वो संस्था कौन है, एक बॉडी जो संस्था होता है, साथ ही साथ हमारे जो पेरेंट्स हैं हमको जो है जो पे करते हैं जो टैक्स जिसे हम देते हैं उसे कहते हैं हम इज कॉल्ड द गवर्नमेंट, उसे हम कहते हैं गवर्नमेंट्स। मीन्स गवर्नमेंट हम किसे कहेंगे, तो जो हमारे लिए सुविधाएं प्रोवाइड करता है, ये जो डिफरेंट जो फैसिलिटी जो प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ जिसे हम जो टैक्स पे करते हैं उसे हम गवर्नमेंट्स के रूप में जानते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, हमारे माइंड में डाउट आता है कि ये आखिर ये गवर्नमेंट है वो होता क्या चीज है। भाई गवर्नमेंट जो है हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, हम उसको टैक्स पे करते हैं, बट ये व्हाट इज अ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट है क्या चीज। सो इससे रिलेटेड आपके ये जो नोट जो पॉइंट्स है उसको देखें, तो गवर्नमेंट एक ऐसा जो बॉडीज है जो गवर्न करता है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन करता है, मीन्स वो शासन प्रशासन करता है, साथ ही साथ उनके जो डिफरेंट जो एक्टिविटीज होते हैं, डिफरेंट जो वर्क करते हैं, तो इससे रिलेटेड व्हाट इज अ गवर्नमेंट है, तो ये पॉइंट्स आप नोट डाउन कर सकते हैं, साथ ही साथ आपको आंसर में भी इसको नोट कर सकते हैं। सो यहां पर हम जो देखें आपको बुक्स में बता कि जो द गवर्नमेंट इज द बॉडी That govern our administrators, political units like a country or a state. Means कोई एक जो political unit, कोई संस्था, कोई state है, कोई country है, या फिर जो कोई जो संस्था है वहां पर जो govern करना है, वहां पर जो शासन करना है, वहां का जो different जो law and orders बना के रखना है, वहां पर नए नए कानून लाने हैं, different जो एक सुविधाएं provides करनी है, so वो काम करने का जो काम है वो करता है हमारा गवर्नमेंट, एक बॉडी एक संस्था होता है। अब द गवर्नमेंट डज हैज अथॉरिटी टू मेक लॉज, गवर्नमेंट के पास क्या होता है, एक अथॉरिटी होता है कि वो कानून बना सकता है, साथ ही साथ सेटल डिस्प्यूट्स, मीन्स जो जहां पर जो झगड़े हो रहे हैं उनको भी वो शांत करवा सकता है, मेंटेन करता है, क्या सिक्योरिटी है वो बना के रखता है, इन्फोर्स पब्लिक डिफरेंट जो ऑर्डर्स हैं या फिर डिसिप्लिन हैं, मीन्स जो नए नए कानून बनाने हैं ताकि लड़ाई झगड़े ना हो, लोगों को कैसे फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाए, देन इट ऑल्सो प्रोवाइड द एंड मेंटेनेंस पब्लिक फैसिलिटीज लाइक रोड, सप्लाई ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मीन्स ये जो इलेक्ट्रिसिटी और जो पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है सप्लाई करने का भी जो काम है वो हमारे गवर्नमेंट्स के द्वारा किया जाता है।
हमने क्या देखा, क्या जाना कि जो गवर्नमेंट है वो एक ऐसी जो संस्था है, ऐसी बॉडीज होती है जो गवर्न करते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं, और उनके द्वारा डिफरेंट जो फैसिलिटीज हैं वो जहां पर गवर्नमेंट गवर्न कर रहे हैं वहां के जो पीपल्स हैं, वहां के जो लोग हैं उनको प्रोवाइड करने का जो काम है वो करते हैं। अब यहां पर आता है बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अलग अलग टाइप्स होते हैं। यहां पर आपके पास एक जो शॉर्ट में आपको दिखाया गया डिफरेंट टाइप्स, एक जो मोनार्की की हम बात करें, सो मोनार्की एक ऐसा जो हेरिडिटरी जो सिस्टम्स होता है गवर्नमेंट का, एक ऐसा फॉर्म्स होता है जहां पर सिंगल रूलर होता है, मींस कोई किंग है, क्वीन है, या फिर कोई जो एम्पायर है वो सिंगल रूल करता है पूरे कंट्री को। और यहां पर ये जो आपके जो मेडिवल पीरियड्स में हमने देखा था, या फिर हम जो आगे हिस्ट्री में आपकी स्टडी करेंगे, सो ये जो गवर्नमेंट का जो बेस सबसे ज्यादातर जो यूज, ज्यादातर जो इस तरीके से जो मोनार्की जो फॉर्म्स है वो मेडिवल पीरियड्स में हुआ करते थे। देन टुडे अभी के देखा जाए, अभी के दौर में तो कुछ ही जो ऐसे जो कंट्रीज हैं वर्ल्ड में वहां पर मोनार्की जो सिस्टम्स है वो है, बट बाकी जगह पर आजकल जो मोस्ट जो पॉपुलर जो फॉर्म है डेमोक्रेटिक जो सिस्टम्स है उनको एक्सेप्ट कर लिया गया है। कुछ जो कंट्रीज जैसे सऊदी अरेबिया, यमन, यहां पर ही आपको मोनार्की जो फॉर्म्स है वो देखने को मिलेगा। सेकंड नेक जो आता है आपका ओलिग्रेची। ओलिग्रेची में ये कैसा फॉर्म होता है, तो इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होल्ड ऑल द पावर। यहां पर हमने देखा था मोनार्की में आपका क्या था बड़ा, कि जो कोई सिंगल जो रूलर्स होते हैं, किसी एक जो पर्सन, चाहे राजा रानी हो या फिर कोई जो अपने आप को एम्पायर वहां का बोलते हैं, उनके हाथों में होते। बट ओलिग्रेसी में क्या होता है, कोई जो पीपल्स का जो ग्रुप है, स्मॉल ग्रुप मीन्स वहां पर दो तीनों चार पांच ऐसे कुछ जो मेंबर्स होंगे उन्हीं के पास वही जो है पूरे जो कंट्री को कंट्रोल करता है, गवर्न करता है, शासन करता है। सो इसमें एग्जांपल में हम देख सकते हैं एशियन जो रोम है, पहले के जो रोमन जो साम्राज्य है वहां पर इस टाइप का होता था। साउथ अफ्रीका जहां पर सिर्फ व्हाइट जो पीपल्स है वो वहां पर गवर्न कर रहे थे। इंडिया में हम देखे तो यहाँ पर आपके जो ब्रिटिश यहाँ पर आए थे और वहां पर उनका गवर्नमेंट चल रहा था। सो ये जो है ओलिग्रेसी के एग्जांपल्स है। देन थियोक्रेसी। अब ये जो थियोक्रेसी जो सिस्टम है यहाँ पर क्या होता है, सो इट इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच अ ग्रुप ऑफ रिलीजियस लीडर्स रूल इन द नेम ऑफ गॉड्स एंड वेयर गवर्नेंस इज बेस्ड ऑन। अब यहां पर क्या हुआ कि जो टेंटेंस ऑफ रिलीजियंस, जैसे ईरान और वेटिकन सिटीज हैं, वहां पर जो थियोक्रेसीज में क्या होता है कि जो रिलीजियस जो ग्रुप्स हैं, कोई जो धार्मिक जो संस्था है, धार्मिक जो लोग हैं, वो धर्म के नाम पर, धर्म के रीति रिवाज के अनुसार से वो जो पर्टिकुलर जो संस्था है, कंट्री है, स्टेट है, वहां पर वो गवर्न करते हैं, वहां पर शासन करते हैं, भगवान के नाम से वो शासन चलाते हैं। सो वो आपका थियोक्रेसीज हुआ। देन नेक्स्ट आता है डिक्टेटरशिप। ये जो आपका ओलिग्रेसी और डिक्टेटरशिप में और आपके जो मोनार्की है यहाँ पर कुछ ही डिफरेंसेस हैं। अब डिक्टेटरशिप की हम बात करें बेटा, इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर अ पर्सन आर ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव सीज पावर बाय फोर्स रूल, ऑफ्टन मिलिट्री डिक्टेटरशिप। मीन्स यहाँ पर जनरली क्या होता है कि भाई डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि कोई पर्सन है या फिर जो लोगों का जो ग्रुप है, समूह है, वो फोर्सफुली उस एरिया को कंट्रोल करके वहां पर शासन करते हैं। जनरली इस टाइप से जो मिलिट्री जो डिक्टेटरशिप है वो आपको देखने को, मैं एग्जाम्पल जो जर्मनी है वहां पर अंडर हिटलर के, हिटलर के लीडरशिप में था। पाकिस्तान जो है जनरल परवेज जो मुशर्रफ थे, या फिर जनरल जय उल हक, इनके लीडरशिप में जो है डिक्टेटरशिप था। इसको अभी हम आपके जो किंग जोंग है उस पर भी, नॉर्थ कोरिया के जो रूलर्स है उस पर भी हम इसको देख सकते हैं। देन जो मोस्ट पॉपुलर जो फॉर्म रहता है आपका डेमोक्रेसी। सो इट इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पीपल गवर्न द कंट्री समटाइम्स डायरेक्टली एंड समटाइम्स इनडायरेक्टली टू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। जैसे यहां पर क्या हुआ कि जो डेमोक्रेटिक जो सिस्टम्स है वहां पर क्या होता है बेटा कि जो डायरेक्टली जो पीपल्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, लोग जो है इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली। डायरेक्टली में क्या होता है कि डायरेक्टली किसी पे डिसीजन लेना है, कोई जो लॉज बनाने, कोई एक्ट इंट्रोड्यूस करना है, तो वहां पर क्या किया जाता है, डिसीजन लिया जाता है, पीपल इकट्ठा होते हैं, लोग इकट्ठा होते हैं और उस पर अपने डिसीजन देते हैं। इनडायरेक्टली में क्या होता है कि हम जो है अपने जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारे जो लीडर्स हैं, उनको हम इलेक्ट कर देते हैं ऑन
वो हमारे जो बिहाफ है मिस हमारे अनुपस्थिति में मिस हमारे जगह पर वो डिसीजन लेने का काम करते हैं। सो इसका जो एग्जांपल ब्राजील, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और जो डिफरेंट जो कंट्रीज हैं वहां पर डेमोक्रेटिक जो सिस्टम्स है वो देखने को मिलता है। क्वेश्चन यहाँ पर आया कि स्टडी टेबल अबव व्हाट काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट डज इंडिया हैव, ये चीजें हमको स्टडी की है हमने। अब आप बताइए कि इंडिया में कौन सा जो गवर्नमेंट जो सिस्टम्स है, मोनार्की है कि ओलिगार्की है कि थियोक्रेसीज है कि डिक्टेटरशिप है या फिर आपका डेमोक्रेसी है। तो बहुत ही इजी आंसर बेटा, हमारे यहाँ कौन सा है गवर्नमेंट का जो सिस्टम, वो है हमारा डेमोक्रेसी। इंडिया में जो डेमोक्रेटिक जो सिस्टम्स है और इनडायरेक्ट मीन्स यहाँ पर जो इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर देते हैं और वो डिसीजन लेते हैं। सो ये तो हो गया क्या कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है उसके बारे में हमने यहां पर देखा। नेक्स्ट जो आता है बेटा आपका कि जो टोटलेरियन आपके जो टोटलेरियन जो गवर्नमेंट्स है उसकी हम बात करें, जो एक्सट्रीमली क्या होता है कि अधिनायक अधिनियम में कहें या फिर जो जहां पर किंग क्वीन जो है रूलिंग होते हैं या फिर हमने डिक्टेटरशिप में देखा था मीन्स जो भी चलना है उन्हीं का चलना है, वहां के जो पीपल्स है वहां के जो लोग हैं उनका कोई सुनने वाला नहीं है। कभी कभी आप लोगों को भी लगता है कि आपके जो पेरेंट्स है आपके सुनते नहीं है, वही जो बोलते हैं वही आपको करना होता है, आप लोग भी कभी कभी परेशान हो जाते हैं ना। सो बेटा यहाँ पर जो टोटलेरियन गवर्नमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर वो जो सिस्टम्स आता है मोनार्चीज, ओलिग्रेचीज, थियोक्रेसीज एंड डिक्टेटरशिप आर यूजली टोटलेरियन रेगिमेंट्स। यहाँ पर जो टोटलियन जो गवर्नमेंट्स की हम सिस्टम्स की बात करें तो जिसमें हमने जस्ट अभी देखा था जो मोनार्ची या फिर ओलिग्रेची, थियोक्रेसीज या फिर डिक्टेटरशिप है, ये आपके जो इस टाइप के जो जहां पर सिर्फ जो रूलर्स होते हैं उनके पास ही मेन पावर होता है। इन टोटेलियन गवर्नमेंट द स्टेट और द मोनार्च एक्सरसाइज एब्सोल्यूट कंट्रोल एंड रेगुलेट एवरी एस्पेक्ट ऑफ सिटीजंस लाइफ। मीन्स ये जो सिस्टम्स है और आपका टोटलेरियन गवर्नमेंट जो सिस्टम्स होता है वहां पर क्या होता है कि जो एक्चुअल जो मेन जो पावर है मीन्स जो वहां के जो लोगों को पूरी तरीके से जो कंट्रोल करने का जो काम है यही गवर्नमेंट है वही करता है। गवर्नमेंट में जो शामिल जो लोग हैं चाहे वो कोई सिंगल पर्सन हो सकता है या फिर जो डिफरेंट जो पर्सन होते हैं उनका यही काम होता है। जैसे यहाँ पर जो टोटलियर गवर्नमेंट में देखा जाए तो डिफरेंट टाइप्स में यहाँ पर जैसे एडॉल्फ हिटलर की बात किया जाए बेटा जिसे आपने जर्मनी में देखा था तो ये यहाँ पर कंट्रोल कर रहे थे। मोनार्की जो सिस्टम्स है ये हम जो देखें यहाँ पर तो ये आपका नोट्स पॉइंट्स है। गवर्नमेंट होते हैं सिंगल रूलर्स होते हैं, किंग क्वीन है वो रूल करते हैं, मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया टेबल में। कॉन्स्टिट्यूशनल जो मोनार्चीज होता है वहां पर आप देखोगे तो क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा वहां के जो संविधान है वहां पर उनको राजा महाराजा रानी बनने का जो है उनको रूल करने का मेन जो होता है उनको अधिकार दिया जाता है, बट यो बस फिगर हेड होता है। एक्चुअल जो पावर वहां के जो इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनके हाथों में है। आपके जो मोनार्चीज में सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर उसका एग्जाम्पल है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्चीज का उसका जो एग्जाम्पल हम जो देख सकते हैं वो आपका ब्रिटेन, जापान, मलेशिया, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्चीज होता है। मीन्स वहां पर नाम मात्र का जो शासक है वो होता है बट एक्चुअल जो पावर है वो वहां के जो इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके पास होता है। देन ओलिग्रेसी की बात करें बेटा इसमें हमने देखा था कि जो एक ऐसा जो गवर्नमेंट का जो फॉर्म होता है जहां पर स्मॉल जो ग्रुप्स ऑफ पीपल है मीन्स लोगों का जो समूह है उनके पास पूरा पावर होता है और पूरे जो एरिया स्टेट कंट्रीज हैं उनको वो कलेक्ट करते हैं। सो साउथ अफ्रीका जैसे यहाँ पर व्हाइट जो पीपल्स थे वो ज्यादातर जो वहां पर जो ब्लैक जो पीपल्स हैं उन पर रूलिंग कर रहे थे। देन थियोक्रेसीज में हमने देखा था कि कोई भी जो संस्था कोई जो बॉडीज हैं वो आपके जो गॉड के नाम पर धर्म भगवान के नाम पर शासन करते हैं उसे हम थियोक्रेसीज के रूप में जानते हैं। जो ग्रुप ऑफ रिलीजियस जो लीडर्स होते हैं वो यहाँ पर शासन करते हैं। देन डिक्टेटरशिप में आता है बेटा आपका कि जो इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल जो वो पावर को अपने हाथों में जबरदस्ती ले लेते हैं, छीन लेते हैं और वहां पर वो शासन करते हैं और वहां पर जो वहां के जो पीपल्स हैं उनको हैव ऑलमोस्ट नो फ्रीडम मीन्स उनको कुछ भी फ्रीडम नहीं दिया जाता, उनके पास कोई राइट्स नहीं होते हैं। मोर जो डिक्टेटरशिप है वो मिलिट्री होते हैं मीन्स जो सैनिक होते हैं जो सेनापति होते हैं जैसे यहाँ पर हिटलर या फिर हमने पाकिस्तान के बारे में देखा था। सो वो डिक्टेटरशिप के थ्रू मीन्स वो क्या करते हैं अपने आप को वहां पर रूलर्स घोषित कर देते हैं।
ये तो आपका जो क्या हुआ कि जो डिफरेंट जो सिस्टम था आपके जो टोटलियन जो गवर्नमेंट्स है उससे रिलेटेड। अब यहाँ पर जो मोनार्ची जो सिस्टम्स है, पीपल हैव नो पार्टिसिपेशन इन द मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, मोनार्चीज टू मच रिड्यूस इन पावर एंड इन्फ्लुएंस स्टिल एग्जिट इन अराउंड 28 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड लाइक इन जापान, मोरक्को, लिसोथो, ब्रिटेन, डेनमार्क, सऊदी अरेबिया, कुवैत एंड मॉस्केट। मीन्स अब यहाँ पर जो मोनार्ची जो सिस्टम्स है वो कहीं ना कहीं उनका जो क्या होते जा रहा है, ये उनका जो एरियाज है वो धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, रिड्यूस होते जा रहे हैं। मीन्स अधिकांश जो कंट्री है वो अभी के दौर में देखेंगे तो डेमोक्रेटिक जो सिस्टम्स है वो उसको वो एडॉप्ट कर रहे हैं। कुछ जो कंट्रीज जो बचे हैं वहां पर मोनार्चीज सिस्टम अभी भी रन कर रहा है, बट वो नाम मात्र का है ना, कहीं कहीं पर जो वो जो है बस फिगर हेड है। मीन्स वहां पर एक्चुअल जो राजा महाराजा महारानी है, बट एक्चुअल जो रूलिंग है, जो पावर है, जो डिसीजन मेकिंग है, जो लॉज क्रिएट करने, कानून बनाना है, पब्लिक फैसिलिटी मेंटेन करना है, वो वहां के जो इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव करने लगे हैं। अब यहां पर मोस्ट ऑफ द मोनार्चीज टूडे आर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्चीज, मीन्स दैट इज द मोनार्च आर जस्ट फिगर हेड। जैसे मैंने बताया कि वो बस नाम मात्र का है, वहां पर जो मेन जो गवर्निंग बॉडी है वो इलेक्टेड होता है। टूडे द मोस्ट प्रेफर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज द वर्ड इज डेमोक्रेसी। मीन्स अभी के दौर में देखा जाए तो सबसे जो मोस्ट जो पॉपुलर जो फॉर्म है गवर्नमेंट का वो है हमारा डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है, और लगभग वर्ल्ड के जो मैक्सिमम जो कंट्री है वहां पर जो डेमोक्रेटिक जो सिस्टम्स है, लोकतांत्रिक जो शासन है, लोकतंत्र मीन जो पीपल से इन्वॉल्व होते हैं डायरेक्टली, उसको फॉलो किया जाता है। अब यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट्स की हम बात करें तो उससे रिलेटेड एक देखिए बेटा, आपका जो ये आपका जो डेमोक्रेसी है तो व्हाट इज अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या होता है, जो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द सुप्रीम पावर इज वेस्टेड इन पीपल। मीन जो लोगों के पास जो मेन जो पावर होता है डेमोक्रेटिक जो सिस्टम से, और वहां पर जो पीपल डायरेक्टली उस पर या फिर इनडायरेक्टली जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो गवर्न करते हैं, देन डेमोक्रेसी भी टू टाइप्स का है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो इसके बारे में चलिए देखते हैं हम कि जो डेमोक्रेटिक जो सिस्टम्स है वहां पर ये जो डेमोक्रेटिक जो सिस्टम वर्ड है वो कहां से है। सो द टर्म डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटोस मीनिंग रूल बाय द कॉमन पीपल। मीन्स ये जो डेमोक्रेटिक जो वर्ड है वो ग्रीक शब्द है, ग्रीक वर्ड से, ग्रीक से लिया गया है ये शब्द, ग्रीक वर्ड से लिया गया है, और उसका जो एक्चुअल जो मीनिंग होता है डेमोक्रेटा वहां पर ग्रीक में होता है, और इसका एक्चुअल मीनिंग होता है रूल बाय द कॉमन पीपल। मीन्स वहां के जो कॉमन जो आम जो लोग हैं वो शासन करते हैं, तो ऐसे सिस्टम को हम डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट सिस्टम कहते हैं। देन यहां पर आता है जैसे अब नेक जो है यूएस जो प्रेसिडेंट के अब्राहम जो लिंकन है उनके द्वारा कहा गया था, क्या कहा गया था कि जो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट्स को उसने डिफाइंड किया था, उनको परिभाषित किया था कि जो गवर्नमेंट जो सिस्टम्स होता है गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। मीन्स गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट जो सिस्टम है, डेमोक्रेटिक एक ऐसा जो सिस्टम्स है जो किसके लिए होता है, जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का ही जो शासन होता है, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। मीन्स जो पीपल्स हैं वो अपने लिए, अपने जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, अपने जो भलाई के लिए जो लीडर चुनते हैं, शासन करते हैं, उसे हम डेमोक्रेटिक सिस्टम कहते हैं। सो इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स हु इन टर्न गवर्न द नेशन। मीन्स जो डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो लोग हैं वो अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है, अपने जो लीडर्स हैं उनको चुनते हैं और वो जो है शासन करते हैं। मीन्स वो जो वहां के जो लोग हैं, वहां के जो कॉमन जो पीपल्स हैं उनके लिए वो डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं। इन डेमोक्रेसी पीपल हैव ऑल द पावर इन देयर हैंड विच दे एक्सप्रेस थ्रू इलेक्शन एंड पब्लिक ओपिनियन। मीन्स अब यहां पर क्या होता है कि आपको जो ये जो चीजें देखने को मिलेगा कि जो मेन जो एक्चुअल जो पावर है वो डेमोक्रेसी में जो पीपल्स के पास होता है, लोगों के पास होता है, और अगर वो किसी लीडर्स को चुने हैं तो नेक्स्ट जब इलेक्शन होगा अगर उनको पसंद नहीं है, वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको फिर से इलेक्ट नहीं किया जा सकता है, उसको इलेक्शन में हरा दिया जाता है, उनको वोट कास्ट नहीं किया जाता है, और वो जो है लीडर्स है वो नेक्स्ट टाइम इलेक्ट होकर
नहीं आते हैं। साथ ही साथ पब्लिक ओपिनियंस की बात किया गया, मीन्स जो लोग हैं वो डेमोक्रेटिक जो सिस्टम में अपने जो ओपिनियन, अपने जो व्यूज हैं, अपने विचार हैं, अपने जो थॉट्स हैं उसको वो रख सकते हैं, अपना कोई भी जो लॉज है, एक्ट है, कोई कानून है उस पर डिससेटिस्फेक्शन वो जाहिर कर सकते हैं। जैसे अभी आपका जो कई जगह आपको देखने को मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फार्म लॉ बिल है इंट्रोड्यूस किया गया था, कृषि कानून जो लाया गया था, तो फार्मर्स उसके अगेंस्ट थे। अभी आपको जस्ट करेंट सिचुएशन में छत्तीसगढ़ में हमारे सीजी में आपको एक जो हसदो जो बांगो एरिया है वहां पर जो पेड़ों को काटा जा रहा है उसके अगेंस्ट जो लोग हैं वो अपने जो पब्लिक जो ओपिनियन दे रहे हैं, अपने व्यूज कर रहे हैं, और पेड़ों को काटने जो फॉरेस्ट एरिया को क्लियर किया जा रहा है हसदेव एरिया पर, तो उसके अगेंस्ट में खड़े हुए हैं और जगह जगह मार्च जो प्रोटेस्ट है वो किया जा रहा है। तो ये जो डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है वहां पर ये जो चीजें हैं वो हो सकता है, अदरवाइज आप दूसरे कंट्रीज में जाइए जहां पर मोनार्चीज है या फिर डिक्टेटरशिप है, वहां पर आप अगर किसी के अगेंस्ट कुछ बोलते हैं तो आपका तुरंत वहीं पर टाइम टाइम फिक्स कर दिया जाएगा, मीन्स आपको जो है मौत की सजा दे दी। जैसे किंग जोंग के बारे में आपने जो नॉर्थ कोरिया के बारे में सुना होगा कि वहां के जो रूलर्स है वो उनको लगता है कि ये पर्सन गलत है तो ऑन द स्पॉट उसका जो डिसीजन है वो दिया जाता है और उसको मौत की सजा दे दी जाती है। सो हमारे यहाँ कंट्री में ऐसा नहीं है, डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है वहां पर पब्लिक जो ओपिनियन है वो बहुत मायने रखता है। देन दे हैव अ कॉन्स्टिट्यूशंस विच गारंटीड बेसिक पर्सन एंड पॉलिटिकल राइट्स, फ्री एंड फेयर इलेक्शन एंड इंडिपेंडेंट कोर्ट्स ऑफ लॉ। मीन्स अब ये जो डेमोक्रेटिक जो सिस्टम होता है वहां पर क्या होता है बेटा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन वहां पर होता है और जो वहां के जो सिटीजन है, वहां के जो लोग हैं, उनको कुछ जो बेसिक जो गारंटी जो राइट्स है जिसे हम फंडामेंटल राइट्स के मौलिक अधिकार कहते हैं वो उनको दिया जाता है। साथ ही साथ उनके पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, फ्री और फेयर इलेक्शन होता है, और वहां पर इंडिपेंडेंट कोर्ट ऑफ लॉ होता है। मीन्स जो कोर्ट जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से गवर्नमेंट से कंट्रोल में नहीं होता है, इंडिपेंडेंट होता है, कंट्रोल से बाहर होता है, तभी वहां वो जो कंट्रीज है वो बेहतर तरीके से रन कर सकता है। देन अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ लॉ एंड रूल्स बेस्ड ऑन विच अ पॉलिटिकल यूनिट इज एडमिनिस्ट्रेटेड। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा होता है सेट ऑफ लॉज, मीन्स कानून है उनका एक जो सेट होता है, मीन्स नियम कायदे कानून उसमें लिखे होते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो रिटर्न फॉर्म में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, ऐसे जो डिफरेंट जो कंट्रीज हैं वहां का ओवरऑल फॉर्म या फिर चली आ रही प्रथा के अनुसार से उसका जो पालन है किया जाता है, बट हमारे यहाँ एक एक जो चीज है वो लिखा हुआ है और इसी कॉन्स्टिट्यूशन के जो लॉज है उन्हीं के आधार पर वहां पर जो पॉलिटिकल यूनिट्स है वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन है वो किया जाता है। नेक्स्ट जो आता है बेटा कि जो डेमोक्रेसीज कैन बी ऑफ टू टाइप्स, जनरली जो डेमोक्रेसी है वो क्या होता है टू टाइप्स के, एक जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है एंड सेकंड है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, अर्लीस्ट डेमोक्रेसी वी हैड डायरेक्ट डेमोक्रेसी, मीन्स पहले का जो डेमोक्रेटिक जो सिस्टम था वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी था, वेयर पावर लेज इन असेंबली ऑफ ऑल पीपल हु चूज टू पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। मीन्स जो पहले का जो अर्ली जो फॉर्म था डेमोक्रेटिक, मीन्स वहां पर बहुत सारे जो लोग हैं उनको गवर्नमेंट चलाने के लिए उनको अपॉइंट किया जाता था, उनको चुना जाता था। देन द पीपल फ्रेम लॉज फ्रॉम देयर सेल्फ एंड हैड ऑल पावर इन्वेस्टेड इन देम। फिर जो लोग हैं वो अपने लिए इकट्ठा होते थे और वो अपने लिए जो कानून बनाना है वो बैठकर बनाते थे आपस में डिसीजन। जैसे अभी कभी कभी आपके क्लास मीटिंग में है, क्लास में मीटिंग हुआ, चर्चा हुआ, आपके क्लास टीचर आपके सब्जेक्ट टीचर है और चलिए ऐसा ऐसा करना है, क्या होगा, सब आपस में डिस्कस करते हैं, उसके बाद प्लानिंग किया जाता है, तो पहले वही होता था। सो एज कंट्रीज ग्रो बिगर पीपल फाउंड दैट इट वॉज नॉट पॉसिबल आर प्रैक्टिकल फॉर एवरी वन टू बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन गवर्निंग द कंट्री। मीन्स भी जैसे जैसे लोगों पॉपुलेशन बढ़ते गए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा होते गए, आप क्लासरूम में देखोगे आपके दो 3-5 जो सेक्शन है आपके जो 7 क्लास में, अब सबको इकट्ठा बिठा दिया गया और कहा गया कि आप जो है कौन सा सब चैप्टर है वो हम स्टडी करने वाले, नेक्स्ट कौन सा चैप्टर स्टडी करेंगे। किसी को लगेगा कि नहीं हम जो है हिस्ट्री का जो है कोई जो ज्योग्राफी पढ़ना चाहेगा, कोई जो है आपके सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ स्टडी करना चाहेंगे, तो ज्यादा पॉपुलेशन ज्यादा जो लोगों में डिसीजन है वो सही तरीके से एक राय नहीं बन पाता है। सो इसी कारण से जो पॉपुलेशन जो ग्रोथ होने लगा तो ये जो डायरेक्टली जो इन्वॉल्वमेंट है गवर्निंग में, जो डायरेक्ट जो डेमोक्रेसी है वो धीरे धीरे क्या होने लगा,
कम होने लगा, खत्म होने लगा. सो द पीपल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हु वुड गवर्न ऑन देयर बिहाफ. मीन्स अब यहां पर क्या हुआ कि जो जैसे जैसे जो पॉपुलेशन बढ़ते गए, लोग जो है ज्यादा होते गए, तो अब जो लोग हैं वो अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे हमारे यहाँ होता है कि हम इलेक्ट कर देते हैं, जब इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, तो हमारे द्वारा कुछ जो लीडर्स हैं उनको हम चुनकर भेजते हैं और वो हमारे लिए डिसीजन लेते हैं. सो दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. अब इसे क्या कहा जाता है, इनडायरेक्ट या फिर जो आपके जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के रूप में हम इसको जानते हैं. देन हियर द मेजोरिटी इज रूल्ड बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. मीन्स अब यहां पर क्या होता है कि जो ऐसे जो सिस्टम्स है वहां पर कुछ जो लोगों का जो समूह होता है जो मेजोरिटीज में होते हैं वो शासन करते हैं. मीन्स जिनके पास जो नंबर आए वो ज्यादा होते हैं, ज्यादा लीडर्स होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज के पास, वो रूलिंग करते हैं. इसके बारे में आगे और आप बेहतर तरीके से इसको समझ सकते हैं आने वाले जो चैप्टर्स है वहां पर बेटा. देन टूडे मोस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर रिपब्लिक. मीन्स अभी के दौर में देखे तो अधिकांश जो स्टेट्स है, अधिकांश जो कंट्रीज है वो रिपब्लिक फॉर्म्स है. अब ये रिपब्लिक फॉर्म्स क्या होता है, सो वेयर द हेड ऑफ गवर्नमेंट इज एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, नॉट अ मोनार्च. मीन जो रिपब्लिक जो फॉर्म्स होता है वहां पर ये होता है कि जो गवर्नमेंट का जो हेड होता है, कंट्री का जो हेड होता है, वो क्या होता है, इलेक्टेड प्रेसिडेंट, इलेक्टेड होता है. इलेक्टेड मीन्स वहां के जो प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट है वो उनको चुना जाता है, इलेक्ट किया जाता है पीपल्स के द्वारा. सम कंट्रीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्चीज वेयर इन अ किंग और क्वीन इज द हेड ऑफ स्टेट. मीन्स यहां पर क्या हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो मोनार्चीज है उसको कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक जो सिस्टम्स है या फिर उसे हम रिपब्लिक जो सिस्टम्स है वो नहीं कहेंगे. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्चीज ऐसा होता है जहां पर क्या होता है, वहां का जो हेड है या फिर वहां का जो प्राइम प्रेसिडेंट है उसको क्या किया जाता है, वो उसको इलेक्ट नहीं होता है, उनका इलेक्शन नहीं होता, उनको चुना नहीं जाता है. बट जो वहां के एन इलेक्टेड पार्लियामेंट हैज ऑल द पावर. बट वहां का जो पार्लियामेंट है, वहां के जो संस्था है, संसद है, उनका जो है चुनाव किया जाता है और पूरा का पूरा पावर जो है उन्हीं के पास होता है. जो भी डिसीजन लेना है वही लोग लेते हैं. दिस इंश्योर्स दैट द पावर ऑफ मोनार्च इज लिमिटेड एंड द पीपल आर इंश्योर्ड बेसिक ह्यूमन राइट्स. सो देन यहां पर क्या होता है कि जो पावर है मोनार्चीज का वो कहीं लिमिटेड होता है और पीपल्स है उनको बेसिक जो ह्यूमन जो राइट्स है, बेसिक जो राइट्स है वो भी दिए रहते हैं. सो ये आपका जो डेमोक्रेटिक सिस्टम से रिलेटेड पॉइंट्स हो बेटा, कि जहां पर रिपब्लिक जो फॉर्म्स होता है या फिर आपके कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्चीज होते हैं, यहां पर आपको जो कुछ जो चीजें दिखाई दे रहा है नाउ योर फैक्ट्स में आप देख सकते हैं कि कुछ जो ऐसे जो कंट्रीज है वो पहले क्या थे, मोनार्चीज थे. बट आपका जो 2006 में आपका जो देखा जाए कि जो मॉइस है, आपके जो मोनार्चीज वाले जो सिस्टम, नेपाल की बात यहां पर किया गया कि वहां पर जो राजा महाराजा थे, बट बाद में वहां पर क्या हुआ, डिफरेंट जो स्ट्रगल्स हुए, डिफरेंट जो फाइट्स हुए और फाइनली जो है किंग है उसने अपनी जो सत्ता को छोड़ दिया और वहां पर आपका जो क्या होने लगा, डेमोक्रेटिक जो सिस्टम्स है वो हुआ 2008 में, वहां पर इलेक्शंस हुआ और जो कम्युनिस्ट जो पॉलिटी है नेपाल का वो पावर में आए और मई 2008 से कॉन्स्टिट्यूशनल जो असेंबली है नेपाल है उसको वहां के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबलीज के द्वारा मोनार्ची जो सिस्टम है उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया और उसको फेडरल जो डेमोक्रेटिक के रूप में उसको लागू किया गया. अब यहाँ पर जो नेपाल के जो रूलर्स हैं उनका इमेज दिया गया है. यहाँ पर वोटिंग जो डेमोक्रेटिक का मेज मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फीचर्स है, वोटिंग जो वोट कास्ट करना है वुमेन्स वोट कास्ट कर रहे हैं. अब यहाँ पर जो मॉइस जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि उनको ये जो राजा है उनसे आजादी मिल गई और यहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम क्या हो गया, इन्वॉल्व हो गया. देन नेक्स्ट आता है बेटा कि द हिस्ट्री ऑफ अ डेमोक्रेसी. अब हम हिस्ट्री की बात करें, हम पुराने समय में जाएं तो डेमोक्रेटिक जो सिस्टम्स है वो हमें कैसे देखने को मिलता है, कहां से स्टार्ट हुआ. तो यहां पर जो पेंटिंग जो रोमन जो सेनेट्स है उसका पेंटिंग दिखाया गया है कि जो ग्रीक्स है और रोमन्स है वो फर्स्ट जो पीपल्स थे वो जिसने डेमोक्रेटिक जो फॉर्म्स है उसको अडॉप्ट किया. मीन्स यहां पर आपको डिफरेंट जो लोग आपको नजर आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, बैठ के जो डिफरेंट जो डिसीजन है उसको वो आपस में ले रहे हैं. सो ये तो हो गया आपका जो ग्रीक या फिर एथेनियंस वाले की हम बात करें. आगे हम देखते हैं अभी
हमारा जो इंडियन जो डेमोक्रेटिक जो सिस्टम्स है, सम ऑफ द अर्लिएस्ट इंस्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस वी आर फाउंड इन एशियन इंडिया। इंडिया में भी बहुत पहले जो है हमें डेमोक्रेटिक जो सिस्टम्स है वो देखने को मिलता है, बिटवीन जो आपके जो 600 से लेकर 500 बीसी के बीच में कुछ जो स्टेट्स है जैसे वज्जीज व्रिजीज या फिर जैसे हम वज्जीज के रूप में जानते हैं कलिंगा, ये कहीं ना कहीं पावरफुल जो रिपब्लिक जो सिस्टम यहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ था। द किंग वॉज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड ही वॉज एडवाइज बाय द सभा, मीन्स वहां के जो किंग है उनको पीपल्स के द्वारा इलेक्ट किया जाता था और कुछ जो सभा होती थी मीन्स काउंसिल ऑफ इंपॉर्टेंट चीफटेंस ऑफ द ट्राइब, मीन्स वहां के जो समुदाय होते थे उनके जो मुखिया हैं वो एक सभा एक संगठन बनाते थे और वो जो है राजा को एडवाइस देते थे किसी भी पर्पस पर। देन एंड द समिति, समिति एक सभा होता था और एक समिति होते थे, अ गैदरिंग ऑफ ऑल द मेन ऑफ द ट्राइब, मीन समिति में क्या होता था कि जो वहां के जो मेन है जितने भी जो लोग हैं वो जो जेंट्स स्पेशली जेंट्स जो पीपल्स हैं वो इकट्ठा होते थे और कोई भी जो डिसीजन है चाहे वो किसी भी पर्पस से है वो आपस में बैठकर इकट्ठा करके वो डिसीजन वो लेते थे। सो ये जो कुछ जो अर्ली जो फॉर्म था इंडियन डेमोक्रेसी का, साथ ही साथ इसी तरीके से कुछ जो और जो फॉर्म है वो एथेनियन जो डेमोक्रेटिक्स एथेन से रिलेटेड है। जैसे यहां पर आपको इमेज में देखेगा एशियन जो ग्रीस है वहां पर आप देखोगे तो 508 मीन 508 बीसी में वहां पर जो क्लेस्थेनिस थे एबोलिश मोनार्चीज एंड एस्टैब्लिश वन ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन एथेंस, मीन्स वहां पर जो पहले मोनार्ची जो सिस्टम था उसको मोनार्की जो सिस्टम है उसको खत्म करके वहां पर जो डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है एथेन में एस्टैब्लिश किया गया था। तो यहां पर हम जो देखिए एथेन वाज अ पावरफुल सिटी स्टेट इन एशियन ग्रीस, मीन जो एथेंस है वो क्या था एक पावरफुल जो सिटी था स्टेट था मेन जो ग्रीक जो ग्रीस जो एम्पायर था वहां का। सो इट डेवलप्ड इनटू अ डेमोक्रेसी अराउंड 500 बीसी, मीन यहां पर हमने जस्ट अभी देखा 508 में यहां पर क्या गया था डेमोक्रेटिक जो सिस्टम्स है वो इस्टेब्लिश किया गया था। सेलोन अ ग्रीक लॉगिवर गेव एथेंस इट्स फर्स्ट कॉम्प्रेसिव कोड ऑफ लॉ इन 594 बीसी, मीन जो सबसे फर्स्ट जो है 594 बीसीई में एक जो कोड ऑफ लॉ मीन जो कानून का एक जो खाका एक जो स्ट्रक्चर तैयार करके 594 में जो ग्रीस है एथेंस है उनको दिया गया था। देन ही लेड द फाउंडेशन ऑफ द एथेनियन डेमोक्रेसी विच वॉज बोर्न एज अ रिएक्शन अगेन द मिस यूज ऑफ पावर बाय द अर्लियर मोनार्चीज, मीन इसी के कारण से ये जो कोड ऑफ लॉ जो है ना 594 में जो इंट्रोड्यूस किया गया लाया गया था। सो ये जो एक फाउंडेशन एस्टेब्लिश करते हैं कि जो एथेनियन जो डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है वो यहाँ पर इस्टेब्लिश हो पाए और यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक सिस्टम्स है वो क्यों आया था रीजन क्या था तो वहां के जो मोनर्स थे मीन वहां के जो राजा महाराजा हुए उनके द्वारा वहां के जो लोग हैं उनके अगेंस्ट बहुत सारे ऐसे जो गलत जो व्यवहार किया गया गलत एक्टिविटीज हुई उनके कारण से ही यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक जो सिस्टम्स है वो इस्टेब्लिश हुआ था। इन 1510 बीसी क्लेस्थेनिस एबोलिश मोनार्की एंड एस्टेब्लिश वन ऑफ द वर्ल्ड फॉर डेमोक्रेटिक सिस्टम्स, मीन्स यहाँ पर जो है क्लेस्थेनिस के द्वारा जो है एथेंस में डेमोक्रेटिक जो सिस्टम्स है वो इस्टेब्लिश किया गया था। सो यहाँ पर हम देखे बेटा कि इट वाज अ सिस्टम ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, मीन्स यहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम था। मीन डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि कुछ जो डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है वहां पर डायरेक्टली जो पीपल्स हैं वो इकट्ठा होते हैं और कोई भी डिसीजन लेते हैं। सो पीपल डिड नॉट इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, मीन्स इनडायरेक्ट में आप देखें अभी हमारे यहाँ इंडिया में देखते हैं कि जो लोग हैं वो इलेक्शन के थ्रू अपने जो रिप्रेजेंटेटिव उसको चुन कर भेजते हैं फिर वो डिसीजन लेते हैं, बट डायरेक्ट में क्या होता है डायरेक्टली जो पीपल से लोग इकट्ठा होते हैं और कोई भी जो डिसीजन है वो लिया जाता है। तो एथेंस में क्या था डायरेक्ट डेमोक्रेटिक था, दे वोटेड डायरेक्टली ऑन इश्यूज एंड बिल्स, कोई भी जो समस्या है कोई लॉज बनाना है कोई बिल पास आउट करना है कोई काम करवाना है तो वो सीधा सीधा वोटिंग वहां पर होता है डायरेक्टली वहां पर वोट किया जाता है कि हाँ इसके फेवर में कौन है भाई इसके फेवर में कौन नहीं है। सो वुमेन्स एंड स्लैब हाउ वी आर नॉट अलाउड टू वोट, अब पहले भी देखा जाए तो हमारे जो
माताएं हैं, वुमेन्स हैं, सिस्टर्स हैं, ब्रदर, उनको अलाउ नहीं किया जाता था। और जो स्लैब्स, जो मजदूर होते थे, दास होते थे, उनको भी उस टाइम पीरियड्स में वोटिंग राइट्स नहीं दिया गया था। सो हाउएवर यहां पर अंडर द एबल स्टेटमेंटशिप ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर पेरिकल्स, एथेंस रीच द हाइट ऑफ इट्स ग्लोरी। मिस अब ये जो यहां पर जो देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो एथेंस में जो डेमोक्रेटिक जो सिस्टम्स है वो बहुत, ये जो आपको इमेज दिखा जा रहे हैं, तो इनके जो लीडरशिप में जो एथेंस है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम में बहुत ही आगे चला गया था। अब जो नेक्स्ट आता है हमारा अर्ली रोम, रोमन जो एम्पायर, वहां पर जो डेमोक्रेटिक जो सिस्टम्स है वो कैसा था। सो एशियन जो रोम्स की बात करें कि 509 BC में जो लास्ट जो किंग थे रोम के, उसको डिपोज कर दिया गया, उसको हटा दिया गया और वहां पर जो रिपब्लिक जो सिस्टम्स है वो इस्टेब्लिश किया गया। ये आपका नोट्स पॉइंट से बेटा नोट्स यहां से आप इजिली नोट कर सकते हैं। बुक्स में हम देखें सो इन 510 BC द लास्ट किंग ऑफ रोम वॉज डिपोज एंड रिपब्लिक इस्टैब्लिश 510 के BC के बीच में ये सभी जो घटनाएं हुई और वहां के जो रूलर्स हैं उसको हटा दिया गया। आफ्टर 12 इयर्स ऑफ स्ट्रगल बिटवीन द रूलिंग फैमिलीज, यहां पर क्या हुआ कि जो रूलिंग जो फैमिलीज हैं जिसे पेट्रेशियंस कहा गया, एंड द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जिसे हम प्लेबियंस के रूप में जानते हैं, सो इनके बीच लगभग 12 इयर्स तक जो है आपस में क्या हुई, स्ट्रगल हुआ, लड़ाई चली, आंदोलन हुआ और फाइनली अ सीरीज ऑफ लॉज वेयर पास्ड कॉल द लॉ ऑफ द 12। मिस अब यहां पर क्या हुआ कि इतना जो 12 इयर्स तक जो इनका आंदोलन चला, जैसे इंडिया में आपने देखा 1857 का जो विद्रोह है वहां से स्टार्ट हुआ था और लगभग 1947 में हमें आजादी मिली, लगभग 90 इयर्स तक जो हमारा आंदोलन चला। तो उसी तरीके जो अर्ली जो रोम है वहां पर 12 इयर्स तक जो वहां के जो लोग हैं और वहां के जो रूलर्स हैं उनके बीच विद्रोह चलते रहा और फाइनली जो है उनको जो है वहां पर वो रिपब्लिक जो सिस्टम है वो इस्टेब्लिश कर पाते हैं। डिफरेंट जो लॉज है वो पास आउट किए गए जिसे कहा जाता है लॉ ऑफ 12 टेबल्स विच रिकॉग्नाइज सर्टेन राइट्स ऑफ द प्लेबियंस। मीन्स यहां पर वहां के जो कॉमन जो पीपल्स हैं, वहां के जो पॉपुलेशन है, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए कुछ जो लॉ है वो इंट्रोड्यूस किए गए। बाय द 4th century BC द प्लेबियंस वेयर गिवन द राइट्स टू स्टैंड फॉर कंसुलशिप्स एंड अदर ऑफिसेस ऑफ द स्टेट्स। मीन्स जो 4th century में भी जो प्लेबियंस है, मीन्स वहां के जो कॉमन जो पीपल्स हैं, उनको कुछ जो बेसिक राइट्स, कुछ जो राइट्स उनको दे दिया गया ताकि उनका भी बेहतर तरीके से डेवलपमेंट हो सके, कंट्री जो है डेवलप कर सके और वहां पर जो बेहतर रिपब्लिक सिस्टम इस्टेब्लिश किया जा सके। सो ये हुआ आपका अर्ली रोम के बारे में। नेक्स्ट आता है बड़ा इंग्लैंड एंड द मैग्ना कार्टा। अब ये जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एक्सरसाइज से रिलेटेड है, साथ ही साथ किसी बच्चे ने मेरे को कमेंट्स करके बेटा ये क्वेश्चन मैग्ना कार्टा क्या, कार्टा के बारे में जैसे उसने मेरे से क्वेश्चन किया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्टा, तो यहां पर बस मीनिंग कार्टा का नहीं है, ये जो दोनों है कि मैग्ना कार्टा मीन्स एक जो आदेश या फिर एक जो कानून बना था। अब इसे हम देखते हैं, द किंग ऑफ इंग्लैंड साइंड द मैग्ना कार्टा इन 1215 BC। यहां पर एक जो समझौता, एक जो आदेश आएगा, कानून बना, एक कोई आदेश निकला जिसे हम कह सकते हैं। सो ये जो मैग्ना कार्टा जिसे कहा गया, इन द मैग्ना कार्टा द किंग एग्रीड टू रिनाउंसेस सर्टेन राइट्स एंड टू लेट दिस लेट हिज पावर बी रिस्ट्रिक्टेड बाय द लॉस। मीन्स वो एग्री, किंग एग्री हो जाते हैं, किस लिए एग्री हो जाते हैं कि उनके कुछ जो राइट्स हैं, जो कुछ जो अधिकार हैं उनको कम किया जाए जिससे उसका जो पावर है वो रिस्ट्रिक्ट होगा, कुछ के कुछ अधिकार छीन लिए गए और लोगों की भलाई के लिए कुछ जो अधिकार लोगों को दिया गया। सो द मैग्ना कार्टा इंक्लूड्स द राइट्स ऑफ हैब्स कॉर्पस विच गेव पीपल द राइट टू अपील इफ दे आर इम्प्रेजेंट विदाउट जस्ट कॉज। मीन्स यहां पर क्या हुआ, एक अधिकार ऐसा दिया गया उसको कि अगर भाई किसी को बिना किसी कारण बताए किसी भी तरीके जबरदस्ती अरेस्ट कर लिया गया, उसको जेल में डाल दिया गया, तो उनके पास अपील करने का राइट था। पहले ऐसा सिस्टम नहीं था, है ना, कि कोई भी जो किसी कुछ रूलर्स को गलत लगा वहां के जो है तो वो उसको पकड़कर जेल में डाल देते थे, उसको बताया भी नहीं जाता था कि उसकी क्या गलती है। सो दिस राइट कंटिन्यू टू बी वन ऑफ द
कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम इन डेमोक्रेसीज। मिस ये जो राइट्स उनको दिया गया कि भी उनको जानने अधिकार है, उन वो भी अपने हक के लिए लड़ सकते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आने वाले जो डेमोक्रेटिक सिस्टम्स है वहां पर एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। मिस बहुत ज्यादा उनके लिए, वहां के जो पीपल्स के लिए वेलफेयर था। और ये जो मैग्ना जो कार्टा है वो 1215 में पास आउट हुआ था। मिस एक जो समझौता, एक जो संधि है उसके रूप में देख सकते हैं, यहां पर उसका जो इमेज है वो आपको दिखाई दे रहा है, मैग्ना कार्टा। ये इस तरीके को जो वहां पर बातें जो है वो लिखी गई थी, और यहाँ पर राजा का जो इमेज आपको दिखाई दे रहा है जब वो जो है साइन कर रहा है मैग्ना कार्टा में, जब वो साइन कर रहा है, तो ये आपको रूलर्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपका मैग्ना कार्टा से रिलेटेड हुआ बेटा। देन नेक्स्ट आता है यूरोप एंड रिनेसेंस। जो रिनेसेंस जो पीरियड हुआ, मीन जो पुनर्जागरण हुआ यूरोप की हम बात करते हैं, सो इससे रिलेटेड आप ये जो नोट्स पॉइंट देख सकते हैं, जो मोमेंट्स है वो मेडिवियल जो यूरोप है वहां पर स्टार्ट हुआ था, और विच ब्रॉड बैक टू लाइफ द टीचिंग ऑफ एशियन ग्रीक्स एंड रोम। मीन जो यूरोपियन जो कंट्रीज है वहां पर क्या हो कि पुराने जो ग्रीस या फिर जो रोमन जो सिस्टम पहले से जो रिपब्लिक जो सिस्टम वहां पर था, उसको फिर से नए तरीके से, नए जो खोज के साथ, नए जो साइंटिफिक मैटर्स के साथ, उसको फिर से नया इस्टेब्लिश किया गया था। काउंट डेमोक्रेसी जो सिस्टम है उसको यूरोपियन कंट्रीज में फैलाने में हेल्प मिला था। सो यहां पर हम जो देखें, सो द रेनेसेंस स्वेप्ट थ्रू मेडिवियल यूरोपियन इन द एंड ऑफ द 14th century। मीन्स ये जो पीरियड है पुनर्जागरण, मीन्स जो लोग हैं नए तरीके से अपने जो पुराने जो थॉट्स है, पुराने जो बिलीव्स हैं, उसको फिर से एक जो नए जो साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू, रिसर्च के थ्रू उसको फिर से मानने लगे थे, उसको अडॉप्ट करने लगे थे। द रेनेसेंस वाज अ मोमेंट्स वेयर द कॉमन पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द कंट्रोल ऑफ चर्च एंड मीन्स यहां पर क्या रहा था कि वहां के जो लोग है वो चर्च के द्वारा जो कंट्रोल किया जा रहा था, वो मोनार्चीज है जिनके द्वारा जो कंट्रोल किया जा रहा था उनके लाइफ है, उनके पावर को, उनको वो क्या करते हैं क्वेश्चन करने लगे, प्रश्न उठाने लगते हैं। ओवर लाइफ्स एज दे डिस्कवर्ड द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ एशियन एथेंस एंड रोम। मीन्स ये जो है क्या करते हैं कि अर्ली जो रोम, ये जो सिस्टम जो था 510 में, 510 BCE में जो वहां पर जो रिपब्लिक जो सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ था, उसको पुनः वो याद करते हैं, और वो ये जानते हैं कि भाई पहले से हमारे यहाँ एक विरासत थी, हमारे पास एक संस्था था, रिपब्लिक जो सिस्टम था जहां पर यहाँ के जो लोग हैं उनको बेसिक जो राइट्स है वो दिए गए थे, लोग जो है आपस में बैठकर अपने जो डिसीजन है वो स्वयं ले सकते थे। तो इन्हीं चीज को एक जो नए तरीके से, नया खोज के माध्यम से उसको फिर से फैलाने का, आगे लाने का प्रयास है वो किया जाता है। यहाँ पर एक जो पेंटिंग्स है वो आपको दिखाई दे रहा है जहां पर जो लोग आपस में इकट्ठा हुए हैं, पोलिस पीपल है इलेक्टिंग देयर न्यू रूलर्स, मीन्स वो अपने जो रूलर्स है उसको क्या कर रहे हैं, इलेक्ट कर रहे हैं। देन नेक्स्ट आता है बेटा एज ऑफ अलाइनमेंट, 17th and 18th century CE की बात है। एज ऑफ अलाइनमेंट, अलाइनमेंट क्या होता है, जागरण, पुनर्जागरण है ना, मीन्स जो लोग हैं फिर से नए तरीके से क्या होते हैं, जागरूक होते हैं, उनको पता चलता है, क्या पता चलता है। सो यहां पर 17th-18th centuries की बात है, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, अमेरिका है वो फाइट करते हैं ताकि उनको जो है क्या हो, आजादी मिल सके, अपने जो सिविल राइट्स है उसको प्रोटेक्ट कर सके। द अमेरिकन फॉट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स फॉर ऑल इंक्लूड द अफ्रीकन अमेरिकन, मीन सभी को जो है उनको जो सिविल राइट्स, उनको बेसिक जो नागरिक जो अधिकार है उनका प्रोटेक्शन किया जाए। देन दे ड्रॉ ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1776, मीन 1766 में आपके जो 1776 में वो क्या करते हैं, डिक्लेरेशन जारी करते हैं विच लिस्टेड सम ऑफ द बेसिक राइट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स टू लाइफ ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी। मीन जो कोई जो बेसिक जो राइट्स है जिसमें आपका फ्रीडम या फिर इक्वालिटीज है, जो समानता है, वो उनको प्रोवाइड किया जाता है। यहां पर हम जो देखें, ड्यूरिंग द अलाइनमेंट द थ्योरी ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी वाज फॉर्मुलेटेड। मीन्स यहां पर क्या हुआ, अलाइनमेंट या फिर जिसे हम उस समय हम बात करें, सो उस सिस्टम में क्या हुआ कि जो मॉडर्न जो डेमोक्रेटिक जो फॉर्मुलेशन, मॉडर्न जो डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है उसका जो जन्म है वो 17th-18th century में इसी समय हुआ था। एंड द फिलोसोफर डिफाइंड द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, फंडामेंटल राइट्स, रिलीजियस फ्रीडम, सेपरेशन ऑफ चर्चेज एंड स्टेट्स। मीन्स यहां पर क्या हुआ कि जो ये जो डेमोक्रेटिक जो फॉर्मुलेशन किया जा रहा था मॉडर्न जो डेमोक्रेसी का,
तो फिलोसोफर्स हैं, उनका मानना था वहां उस समय के जो राजनीतिक विद्वान थे उनका मानना था कि भाई डेमोक्रेसी में कुछ जो फंडामेंटल एलिमेंट्स होते हैं, कुछ जो प्रमुख उसके भाग है, कुछ जो ऐसे चीज होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए डेमोक्रेसी में, तो इक्वलिटी होना चाहिए, प्लीज भाई सभी जो लोग है इक्वल होने चाहिए, समानता होनी चाहिए, ये अमीर गरीब क्या है, मेल आपके जो मेल फीमेल क्या है भाई, सभी इक्वल होने चाहिए, समानता होनी चाहिए, फंडामेंटल राइट्स कुछ जो बेसिक जो ह्यूमन राइट्स है वो मिलने चाहिए लोगों को वहां के, देन रिलीजियस फ्रीडम, भाई जो कोई भी जो पर्सन है वो रिलीजियस रूप से कोई भी जो धर्म है उसको उनको आजादी होनी चाहिए, उसको अडॉप्ट कर सके, उसको सेलिब्रेट कर सके, उसको मना सके, देन सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट, मीन्स उस समय क्या था कि जो चर्च है वहां के जो पीपल से लोग हैं वो गॉड के नाम पर शासन कर रहे थे, तो चर्चेज हैं और स्टेट्स है, मीन जो धार्मिक जो संस्था है, रिलीजियस जो सेंटर्स हैं, रिलीजियस जो बॉडीज हैं वो अलग होने चाहिए, और जो स्टेट बाकी जो कंट्री है वहां का जो गवर्निंग बॉडी अलग होना चाहिए। सो द अमेरिकन थ्रू द 1760s एंड 1790s डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिकनिज्म, मीन्स यहां पर क्या हुआ कि जो आपके जो अमेरिकन जो सिस्टम्स है वहां पर रिपब्लिकन जो सिस्टम्स है वो इंट्रोड्यूस किया गया था, और जैसे हमने जस्ट आपको जो इमेज है वहां पर आपने देखा था कि जो वहां पर जो नॉन जो वाइट्स हैं वो अपने अधिकार के लिए राइट्स के लिए, अफ्रीकन जो लोग वहां पर रह रहे थे वो भी अपने राइट्स के लिए वहां पर लड़ने लगते हैं। सो रिपब्लिकनिज्म क्या होता है, सो इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट प्रोटेक्ट लिबर्टी एंड बिलीव्स इन अ इक्वलिटी एंड द रूल ऑफ रॉ, मीन्स ये जो रिपब्लिकनिज्म की हम बात करें वो जो सिस्टम है वहां पर लिबर्टी में स्वतंत्रता का वो क्या कहता है प्रोटेक्ट करता है, मीन्स जो लोगों को स्वतंत्र करता है, आजादी महसूस करवाता है, साथ ही साथ जो वो जो है बिलीव करता है, विश्वास करता है किस पर, इक्वलिटी पर और द रूल ऑफ लॉ, मीन्स जो कानून का जो लॉज है उस पर जो है रूलिंग करना है, उस शासन है कानून का जो शासन है उस पर विश्वास करता है रिपब्लिकनिज्म। देन द अमेरिकन फॉर्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट फॉर ऑल इंक्लूडिंग द अफ्रीकन अमेरिकन, मीन्स ये जो अमेरिकन है वो सभी के लिए लड़ रहे थे, चाहे वो अफ्रीकन हो चाहे वो अमेरिकन, अफ्रीकन अमेरिकन दोनों का जो उनके लिए भी वो जो है उनके अधिकारों के लिए सभी के सिविल राइट के लिए उनके द्वारा यहां पर लड़ा गया था। देन द यूनाइटेड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रेटिफाइड इन 1789, मीन्स जो आपका जो कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फॉर्मेशन हुआ 1789 में, एंड द यूनाइटेड स्टेट बिल्स ऑफ राइट्स केम इनटू इफेक्ट इन 1791 में, और ये जो बिल्स जो राइट्स है लोगों के अधिकार के लिए जो इंट्रोड्यूस किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में वो जो है 1791 में जो है वो क्या होने लगा, इफेक्ट में आ गया, मीन्स वो लागू हो गया। द बिल ऑफ राइट्स लिमिट्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, में जो गवर्नमेंट का जो पावर है उसको वो क्या किया दिया है, उसके जो राइट्स है उनको लिमिट कर दिया गया, ताकि वहां के जो कॉमन जो पीपल्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा जो है लाभ है, ज्यादा से ज्यादा राइट्स है उनको मिल सके, एंड द प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ ऑल यूएस सिटीजन, मीन्स वहां के जो यूनाइटेड स्टेट जितने भी सिटीजन है उनका जो राइट्स है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। देन नेक्स्ट आता है फ्रेंच रिवोल्यूशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन से रिलेटेड आपको पॉइंट्स मिलेंगे, जो फ्रेंच रिवोल्यूशन से यहाँ पर आपको डिफरेंट जो पीपल डिफरेंट जो लोग हैं एक मोनार्की जो रिवोल्यूशन वहां पर जो सिस्टम जो फ्रेंच से रिलेटेड है ये आपको जो नोट्स पॉइंट्स इससे नोट डाउन कर सकते हैं। देन हम यहाँ पर देखें बेटा फ्रेंच रिवोल्यूशन जो आपको 1789 से लेकर 1799 के बीच हुआ था वॉज अ पीरियड ऑफ पोलिटिकल एंड सोशल अफेयर्स इन फ्रांस, ये जो फ्रेंच रिवोल्यूशन में क्या हुआ कि जो फ्रांस वाले जो रीजन है वहां पर पॉलिटिकल और जो सोशली जो है बहुत सारे जो चेंजेस हुए, बहुत सारे वहां पर लड़ाइयां लड़ी गई, आपस में विद्रोह हुआ ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन, यहाँ पर जो आंदोलन वहां पर क्या हुआ, द कॉमन पीपल ऑफ फ्रेंच ओवरथ्रो द मोनार्चीज एंड फॉर्म अ न्यू गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, मीन्स जो वहां पर जो मोनार्चीज था मीन्स वहां के जो रूलर्स हैं उनको वो गद्दी से हटा देते हैं और वहां पर जो नया जो गवर्नमेंट जो इस्टेब्लिश किया जाता है जो मेन जो प्रिंसिपल मेन जो सिद्धांत था वो क्या था, इक्वलिटी मीन्स जो समानता होनी चाहिए सभी को, लिबर्टी स्वतंत्रता, साथ ही साथ फ्रेटर्निटी बंधुत्व, मीन्स आपस में सब जो है एक दूसरे के साथ मिल कर रहे हैं। सो इस प्रिंसिपल पर जो नया जो गवर्नमेंट जो सिस्टम्स है
वो वहां पर फ्रेंच रेवल्यूशन के बाद से निकलकर सामने आता है। देन द नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्रॉ अप अ डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ ह्यूमंस एंड द सिटीजन इन अगस्त 1789 में जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उनके द्वारा एक जो क्या बनाया गया, जो जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं तो उसी तरीके से ह्यूमन जो राइट्स है उसके रिलेटेड, साथ ही साथ वहां के जो सिटीजन को क्या क्या जो अधिकार है वो होने चाहिए उससे रिलेटेड जो लॉज है, कानून है, वो एक्ट है, वो इंट्रोड्यूस किया गया 1789 में, अगस्त 1789 में। देन इट वॉज बेस्ड ऑन द अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, कहीं ना कहीं ये जो अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है उससे कहीं ना कहीं मिलता जुलता उसी के आधार पर यहां पर भी 1789 में फ्रेंच में ह्यूमन राइट्स और जो सिटीजन जो राइट्स है वो प्रोवाइड किए गए थे। देन आता है बेटा इंस्पायर्ड बाय द सक्सेस ऑफ अमेरिकन फॉट फॉर इंडिपेंडेंस एंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन द 20th सेंचुरी विटनेस द इमर्जेंसेस ऑफ न्यूमरस डेमोक्रेसीज लाइक इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, जर्मनी एंड जापान। मीन्स ये जो है क्या हुआ कि जो अमेरिकन जो फाइट्स हुआ या फिर फ्रेंच रेवल्यूशन हुआ, रशियन जो रेवल्यूशन है, इससे कहीं ना कहीं जो और वर्ल्ड के जो डिफरेंट जो कंट्रीज के जो लोग हैं वो इंस्पायर्ड हुए और वो भी क्या करने लगे कि अदर जो कंट्रीज है वहां के जो लोग हैं वो भी डेमोक्रेटिक जो सिस्टम्स है या फिर वो भी अपने लिए आजादी जो मोनार्की जो सिस्टम्स है उनसे निकलना चाहे। जैसे आपका जो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, जर्मनी, जापान, यहां पर भी जो डेमोक्रेसी का जो डिमांड्स है वो बढ़ने लगा। सो द 20th सेंचुरी इज ऑल्सो सॉट टू वर्ड्स वॉर विद ऑल इट्स, यहां पर क्या हुआ कि बेटा दो जो है 20th सेंचुरीज में ही दो जो वर्ल्ड वॉर है वो हमें देखने को मिलते हैं जो कहीं ना कहीं पूरे जो वर्ल्ड को हिलाकर रख देता है, पूरे जो वर्ल्ड है वो इससे कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। द यूनाइटेड नेशंस वॉज फॉर्म टू इंश्योर पीस, सिक्योरिटी एंड अबव ऑल ह्यूमन लिबरेशन, में जो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा अब इस संस्था का जो इस्टेब्लिश यूएन का जो है इस्टेब्लिश किया गया जिससे शांति जो है पूरे विश्व में, सिक्योरिटी सुरक्षा की जो भावना बना रहे और ह्यूमन जो लिबर्टी है, व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है उसको बना के रखा जा सके। अभी आप देख रहे हैं बेटा रशिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई लड़ रही है और कहीं ना कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात कही जा रही है बट अभी वो स्टार्ट नहीं हुआ है। सो ये आपका क्या हुआ कि कुछ जो पॉइंट्स रहे जो डेमोक्रेसी से रिलेटेड, डिफरेंट जो वर्ल्ड के जो डिफरेंट जो कंट्रीज है वहां पर किस टाइप का जो गवर्नमेंट सिस्टम था और कैसे वहां पर डेमोक्रेटिक सिस्टम्स आया, साथ ही साथ कौन से कंट्रीज में किस टाइप के जो राइट्स है, कौन किस समय वो जो राइट्स है वो प्रोवाइड किए, इसके बारे में भी आपने जाना। तो बेटा ये जो इस वीडियो में इस पार्ट में फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर बस इतना ही। नेक्स्ट जो पार्ट है वहां पर देखेंगे हम द की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेसी, जो सेकंड पार्ट होगा वहां पर हम जो की एलिमेंट्स है डेमोक्रेसी के, जो की एलिमेंट्स है उसके बारे में स्टडी करेंगे, साथ ही साथ आगे और जो चीजें हैं हम और बेहतर तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। सो बेटा इस चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज का जो आरईडी सॉल्यूशंस मेरे द्वारा प्रोवाइड कर दिए गए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, साथ ही साथ एंड स्क्रीन में भी देखने को आपको जरूर मिलेगा। सो इस वीडियो में बस इतना ही बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके जो नेक्स्ट पार्ट के साथ। सो वीडियो अगर हेल्पफुल है तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो ओके, थैंक यू।